हेलो बच्चों, मैं आज बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं कर पाया था, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज मैं दोबारा से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सबके लिए। तो इस बीच में होने वाले गैप के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हम रिकॉर्डिंग्स नहीं कर पा रहे थे, राइट। एनीवेज, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए फर्दर हम लोग शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। क्वेश्चन हम लोगों का है कि एक पैटर्न प्रिंट करना है आपको। ये एक स्ट्रिंग पैटर्न है, यानी कि एक वर्ड आपको एंटर करना है और उस वर्ड का एक पैटर्न प्रिंट करना है आपको। जैसे एक सैंपल यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हो आप। लास्ट क्लासेस के एक वीडियो में भी आपने देखा था कि स्ट्रिंग का ही एक पैटर्न आपने प्रिंट किया था, जहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ रहा होगा, शायद आपको याद है। बी बी एल, फिर बी एल यू, फिर बी एल यू ई, फिर बी एल यू ई जे। तो इस तरह से एक पैटर्न आपने प्रिंट किया होगा अब तक, आपको याद होगा शायद, राइट। लेकिन ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। इस पुराने वाले पैटर्न में क्या था कि आप पहले कैरेक्टर्स को प्रिंट कर रहे थे और जो स्पेस है वो स्पेस आपका बाद में था, राइट। ये स्पेस जो है, ये स्पेस उस कैरेक्टर्स के बाद है। लेकिन आपके पास जो फिलहाल ये पैटर्न है, यहाँ पर क्या देखिए कि आपका सबसे पहला वाला जो लाइन है, यानी कि ये लाइन, इसमें एक स्पेस पहले है। उसके बाद का जो लाइन है, यानी कि ये लाइन, इसमें दो स्पेस है आगे। थर्ड लाइन जो है इसमें तीन स्पेस है, फोर्थ लाइन जो है इसमें चार स्पेस है, और फिफ्थ लाइन जो है इसमें पाँच स्पेस है। यानी कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लाइन्स स्पेस का नंबर काउंट हो रहा है, आप देख पा रहे हो शायद, है ना। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले स्पेस प्रिंट करना होगा, उसके बाद ये स्ट्रिंग प्रिंट होगा। तो ये पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होगा पिछले वाले पैटर्न के कंपैरिजन में, राइट। तो ठीक है, देख लेते हैं कि इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए जो कोडिंग का इस्तेमाल होगा वो किस तरह का कोडिंग है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये इंटायर प्रोग्राम हमने यहाँ लिख दिया है। क्लास का नाम हमने रखा है पैटर्न ए, और मेन मेथड भी लिखा हमने। फिर जो भी एक इंटर स्ट्रिंग नाम का हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, जहाँ पर आपका एक वेरिएबल होगा एस, जिसके अंदर आप अपना जो स्ट्रिंग है वो एंटर करोगे। और उसके बाद कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर किया गया है, जैसे कि आई, जे, के, ये एल, लास्ट वाला एल है। तो कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जो हमें इस प्रोग्राम में आगे ज़रूरत पड़ेंगे, उन्हें हम यहाँ पर डिक्लेयर कर चुके हैं। क्या क्या ज़रूरत है, कहाँ पर किस वेरिएबल का यूज़ होने वाला है, ये हम लोग प्रोग्राम करते करते देख लेंगे, राइट। और उसके बाद जो हमारा मेन काम है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये पूरा जो कोडिंग आपको दिख रहा है फॉर लूप का, यही हमारा मेन पर्पस को पूरा करेगा। हमारा जो मेन उद्देश्य है इस प्रोग्राम को करने का, कैसे करके सॉल्व होगा उसको हम समझेंगे इस वाले ब्लॉक में, इस फॉर लूप में। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस पूरे छोटे से जो ब्लॉक है इस फॉर लूप का, इसे मैंने अलग से नेक्स्ट स्लाइड में कर रखा है, ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आए। ये काफ़ी छोटा छोटा दिख रहा है आपको, इसीलिए मैं इस स्लाइड में इसको आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ। इसमें सिर्फ आपका सॉल्यूशन है, इसको आप कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हमारा एक्चुअल कोड है, जिसके थ्रू हम लोगों का पैटर्न जो है वो प्रिंट होने वाला है, राइट। तो देखें, सपोज कर लेते हैं कि आपने जो एस नाम का वेरिएबल लिया है, उस एस नाम के वेरिएबल के अंदर में आपने ब्लू प्रिंट किया है, है ना। एक चार लेटर का एक वर्ड आपने प्रिंट किया है, जो कि एक मतलब एंटर किया है एस के वेरिएबल के अंदर में। और उसके बाद जो यहाँ एल नाम का आपका जो वेरिएबल है, उसके अंदर इस एस नाम के वेरिएबल का जो वैल्यू है, यानी कि ब्लू, इसका लेंथ प्रिंट कर रहे हैं, यानी स्टोर कर रहे हैं। तो लेंथ कितना हो जा रहा है, लेंथ है 1, 2, 3, 4। 4 इज़ द लेंथ विच स्टोर्स इन एल वेरिएबल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या बताता है, देखिए कि हमारा जो लूप है वो पहला बाहर का लूप, यानी कि आउटर लूप। ये आउटर लूप जो आपको दिख रहा है, ये जो लूप है, ये लूप कहाँ से शुरू हो रहा है, ये लूप शुरू हो रहा है i के वैल्यू को हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं l के साथ। l मतलब क्या, l मतलब क्या यहाँ पर हो रहा है, देख लीजिए। l का मतलब हो जा रहा है 4, व्हाटएवर द लेंथ इज। लेंथ हम लोगों का
चार है तो आई का वैल्यू शुरू होगा चार से, ठीक है। और आई का वैल्यू को चला कहाँ तक रहे हैं, आई का वैल्यू को चला रहे हैं ज़ीरो तक, यानी कि आई का वैल्यू घटते हुए जाएगा। देख रहे हैं ना हम लोग कि आई का वैल्यू शुरू हो रहा है बड़ा नंबर से यानी कि चार से, और चल कहाँ तक रहा है ज़ीरो तक। तो ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू जो है एल का वो घटते जा रहा है, यानी कि फोर फिर थ्री होगा फिर टू होगा फिर वन होगा तब जा कर के ज़ीरो होगा। जब तक ज़ीरो होगा तब तक लूप चलेगा। इसीलिए देखिए हम लास्ट में आई माइनस माइनस किए हैं, आई प्लस प्लस नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये वक्त तो आपको क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनिशियली सबसे पहला टाइम में आई का वैल्यू कितना होगा, आई का वैल्यू फोर होगा, और जैसे ये होगा उससे ही हम लोगों का ये कंडीशन चेक करेगा क्या आई का वैल्यू बड़ा है या इक्वल है ज़ीरो का। तो आई का वैल्यू तो फोर है, फोर क्या बड़ा है या इक्वल है ज़ीरो का। तो दूसरा वाला कंडीशन तो सही नहीं है लेकिन पहला वाला कंडीशन सही, यानी कि फोर ज़ीरो से बड़ा है। चलें आगे बढ़ते हैं। कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ये कंट्रोल हमारा लूप के अंदर समा जाएगा यानी कि चला आएगा। तो लूप के अंदर जैसे ही आता है वैसे ही आई का वैल्यू तो फोर है और जे का वैल्यू कितना मिल रहा है शुरू में वन, जे का वैल्यू स्टार्टिंग में वन है। और जे का वैल्यू को चला कहाँ तक रहे हैं, जे का वैल्यू छोटा होगा या बराबर होगा के से तब तक चलेगा, ठीक है। जे का वैल्यू जब तक छोटा रहेगा या बराबर होगा किसके, के नाम का जो वेरिएबल है उसके वैल्यू का। तब बोलो सर के तो हमको दिख नहीं रहा कहीं पर, के है देखें यहाँ पर हम देख सकते हैं जो वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ है इस जगह पर के इज़ इक्वल टू वन लिखा हुआ है ना। दैट मीन्स हमारे पास जो वेरिएबल है वो के का वैल्यू क्या है वन है ना। तो सब यहाँ चेक करेंगे क्या जे का वैल्यू दैट मीन्स वन, के ये छोटा है या इक्वल है के का वैल्यू, के का वैल्यू वन है शुरू में, तो के का वैल्यू तो वन है तो इसका मतलब कि ये तो छोटा नहीं है लेकिन इक्वल जरूर है। दैट मीन्स हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वैसे ही ये लूप के अंदर समा जाएगा कंट्रोल हमारा। तो कंट्रोल जैसे ही लूप के अंदर गया वैसे ही एक स्पेस प्रिंट हुआ, दैट मीन्स स्क्रीन पे एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। चले बढ़ते हैं आगे। ये होने के बाद हमारा कंट्रोल आएगा इस वाले ब्रैकेट के पास। ये ब्रैकेट क्या करता है, ये ब्रैकेट काम होता है कि वो हमारे कंट्रोल को सेंड करता है अंदर वाला जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसके पास, क्योंकि ये अंदर का ये इनर ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है ये इनर ब्रैकेट है, इसीलिए ये इनर इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास भेजता है यानी कि जे प्लस प्लस। जे का वैल्यू बढ़ जाएगा और जे का वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा, जे का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा टू। इसके बाद अगेन यहाँ कंडीशन चेक होगा क्या जे का वैल्यू यानी कि टू छोटा है या बराबर है के का वैल्यू, के का वैल्यू तो वन है, तो ये दोनों ही कंडीशन तो गलत हो जा रहा है ना, क्योंकि टू तो वन से छोटा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। दैट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा हमारा ये अंदर वाला लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा, अंदर वाला लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा। दैट मीन्स ये इंटायर लूप ख़त्म। तो हमारा कंट्रोल कहाँ आएगा, कंट्रोल आ जाएगा इस वाले के पास, इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट के पास। ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या प्रिंट कर रहा है, जो भी हमारा एस नाम का वेरिएबल है दैट मीन्स ये ब्लू जो हम डेटा एंटर किए हैं इसका सब स्ट्रिंग ऑपरेटर का सब स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग काम करेंगे। क्या करते हैं सब स्ट्रिंग मेथड में देख लेते हैं। देखिए सब स्ट्रिंग क्या होता है, जीरो कोमा आई लिखा हुआ है ना, तो एक इनिशियल इंडेक्स है यानी कि ये वाला इनिशियल इंडेक्स है, ये फाइनल इंडेक्स है। तो जब ऐसा कोई सब स्ट्रिंग रहता है जहाँ पर इनिशियल फाइनल दोनों दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, हम लोग करते हैं इनिशियल वाला तो लेते हैं लेकिन फाइनल वाला जो होता है उससे एक कम लेते हैं, उससे एक कम लिया जाता है, राइट, है ना, यही तो होता है, फाइनल इंडेक्स माइनस वन करते हैं। तो देखें हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ब्लू नाम का एक वर्ड, इसका ये हो गया जीरो इंडेक्स, ये हो गया वन इंडेक्स, ये हो गया टू इंडेक्स, ये हो गया थ्री इंडेक्स, यानी कि हमारा ये सब स्ट्रिंग मेथड क्या रिटर्न करेगा हमें स्क्रीन पे, हमें स्क्रीन पे रिटर्न करेगा जीरो से शुरू होगा और थ्री तक जाएगा, यानी कि जीरो वन टू थ्री, ये चारों लेटर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा इस स्पेस के बाद, एक साथ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और हालांकि यहाँ पर एलन लिखा हुआ है तो अब लाइन क्या होगा, लाइन हो जाएगा चेंज, अब लाइन हमारा यहाँ पर आ जाएगा, कर्सर जो हमारा रहेगा स्क्रीन का वो इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है।
चले बढ़ते हैं आगे। उसके बाद का देखिए कमांड क्या है, के प्लस प्लस, यानी कि के का वैल्यू स्टार्टिंग में कितना था, 1 था, लेकिन के का वैल्यू अब हो जाएगा, के का वैल्यू अब हो जाएगा 2, के का वैल्यू अब हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बढ़ते हैं आगे, चलें देखें। इसके बाद कंट्रोल हमारा आएगा इसके पास, बाहर वाला जो लूप है उसके ब्रैकेट के पास, वो क्या करेगा, उसे आउटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर आई माइनस माइनस के पास भेज देगा। आई माइनस माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आई का वैल्यू एक स्टेप घट जाएगा, यानी कि आई का वैल्यू 4 से 3 हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन अगेन चेक होगा और कंडीशन ट्रू भी होगा। उसके बाद अगेन कंडीशन ट्रू होने से लूप के अंदर एंटर कर जाएगा कंट्रोल हमारा। जैसे ही लूप के अंदर एंटर करेगा वैसे ही जे का वैल्यू अगेन क्या हुआ, जे का वैल्यू अगेन हमारा 1 है, दैट मीन्स जे का वैल्यू 1 है। और कहाँ तक चलेगा, जे का वैल्यू यानी कि 1 छोटा होगा या बराबर होगा के का वैल्यू, के का वैल्यू अब हमारा कितना है, अब है 2, इसके पहले बार में 1 था लेकिन अब हालांकि यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट कर दिया है इसीलिए अब 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि जे जो हमारा है वो 2 बार चलेगा, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए, 1 से 2 तक 2 बार चलेगा लूप, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, जैसे ये कंडीशन चेक होगा जो कंडीशन सही है इसके चलते क्या होगा, लूप के अंदर हम कंट्रोल चला जाएगा। कंट्रोल अंदर जाते ही क्या होगा, अंदर में एक स्पेस प्रिंट हो रहा है तो अगेन क्या करेगा, सबसे पहले एक स्पेस प्रिंट कर देगा। जैसे ही एक स्पेस प्रिंट होगा वैसे ही हमारा कंट्रोल चला जाएगा इस इनर ब्रैकेट के पास, ये क्या करेगा इसे भेज देगा जे प्लस प्लस के पास। जे प्लस प्लस का मतलब हो जाएगा हमारा जे का वैल्यू 1 से बढ़ के 2। अगेन ये कंडीशन चेक करेगा जो कि सही भी होगा तो लूप के अंदर चले आएगा। लूप के अंदर आने पर क्या हो रहा है, फिर से एक स्पेस प्रिंट हो रहा है तो अगेन एक स्पेस प्रिंट होगा, हालांकि यहां पर एलन नहीं है इसलिए एक ही लाइन में प्रिंट होगा। अब आगे देखते हैं, देखें अगेन हमारा कंट्रोल इसके पास जाएगा, ये क्या करेगा जे प्लस प्लस के पास भेज देगा। जे प्लस प्लस क्या करेगा, जे के वैल्यू को बढ़ा करके 3 कर देगा। जैसे ही जे का वैल्यू 3 होगा वैसे ही कंट्रोल फिर चेक करेगा क्या जे का वैल्यू छोटा है के वैल्यू का, तो ये तो नहीं है। क्या जे का वैल्यू इक्वल है के वैल्यू का, ये भी तो नहीं है। दैट मीन्स अंदर वाला लूप खत्म। जैसे ही अंदर वाला लूप खत्म हुआ वैसे ही हमारा कंट्रोल चला आएगा इसके पास, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सब स्ट्रिंग ऑपरेटर हम सॉरी मेथड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो 0, i, यानी कि 0, i का मतलब क्या होता है, i का वैल्यू अब कितना है, i का वैल्यू अब है 3 और हम लोग क्या करेंगे 3 से 1 कम लेंगे। यही ना होता है, 0 से शुरू करेंगे और जो भी आय का वैल्यू होगा उससे 1 कम लिया जाता है, नियम तो यही कहता है ना, यानी कि 3 से 1 कम यानी कि 2। तो हमारा जो सब स्ट्रिंग है वो 0 से लेकर के 2 तक इंडेक्स का जो भी वैल्यू है वो हमें स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, यानी कि 0 से लेकर के 2 तक, 0, 1, 2, यानी कि ये जो 3 लेटर हैं ये स्क्रीन पर प्रिंट होंगे। दैट मीन्स स्क्रीन पर प्रिंट होगा BLU, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, जैसे ये होगा वैसे ही हमारा उसके बाद कंट्रोल जाएगा K++ के पास, यानी कि K का वैल्यू अब कितना हो जाएगा बढ़ करके, K का वैल्यू अब हो जाएगा बढ़ करके 3, कोई दिक्कत नहीं है। ये होने के बाद अगेन हमारा कंट्रोल आएगा इस ब्रैकेट के पास, यानी कि आउटर लूप के ब्रैकेट के पास, जो क्या करेगा आई के वैल्यू को एक स्टेप घटने के लिए भेज देगा। दैट मीन्स थोड़ा रुक जाए, दैट मीन्स आई का वैल्यू जो है वो एक स्टेप घटेगा। तो आई का वैल्यू अगर एक स्टेप घटता है दैट मीन्स हमारा वैल्यू हो जाएगा आई का 2। फिर कंडीशन यहाँ चेक करेगा, चेक होने के बाद कंडीशन ट्रू भी होगा तो हमारा कंट्रोल चलाएगा अगेन इस लूप के अंदर। ये लूप हमारा जे का वैल्यू सबसे पहले कितना होगा, जे का वैल्यू सबसे पहले 1 होगा। ये चेक करेगा कि जे का वैल्यू क्या 1 क्या छोटा है या इक्वल है के का वैल्यू, के का वैल्यू यानी कि 3, यानी कि बता सकते हो आप कि अंदर वाला लूप कितना बार चलेगा, तो आप बोलोगे सर 3 बार, 1, 2, 3, जब तक ये 3 वैल्यू होगा जे का तब तक चलेगा। जैसे ही जे का वैल्यू 4 हो जाएगा लूप बंद हो जाएगा।
यानी कि अब आप बता सकते हो कि ये लूप जो है ये स्पेस प्रिंट कर रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब कि अगर मेरे पास जे का वैल्यू 3 बार चलेगा तो स्क्रीन पे 3 स्पेस प्रिंट होगा, है ना। यानी कि हमारे पास ये 3 स्पेस प्रिंट होगा, 1, 2, 3। मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप समझ रहे होगा बेहतर, क्योंकि हमने 2 बार उसको एग्जीक्यूट करके देख लिया है और वही काम तो रिपीट हो रहा है, तो आप समझ भी सकते हो कि सेम काम होगा। उसके बाद कंट्रोल हमारा आएगा इसके पास सब स्ट्रिंग मैथड का इस्तेमाल, यानी कि 0, i, i का वैल्यू है 2, हमारा इंडेक्स क्या हो जाएगा 2-1, यानी कि हमारा वैल्यू प्रिंट होगा 0 से 1 तक। दैट मीन्स कि हमारा ये 0 और 1 यानी कि बी और एल स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है। इसके बाद k का वैल्यू हो जाएगा एक स्टेप ज़्यादा, दैट मीन्स k का वैल्यू हो जाएगा 4। अब जैसे ही k का वैल्यू 4 हुआ उसके बाद कंट्रोल यहाँ आएगा, ये क्या करेगा i के वैल्यू को एक स्टेप घटा देगा, i का वैल्यू घट के कितना हो जाएगा 1, i का वैल्यू घट के हो जाएगा 1। अब देखें आगे, जैसे ये 1 हो जाएगा उसके बाद कंडीशन हमारा चेक होगा, कंडीशन तो ट्रू होगा, एक सेकंड रुक जाएं। हाँ, कंडीशन चेक होगा, क्या आई का वैल्यू बड़ा है 0 से, ऑब्वियस सी बात है बड़ा है, इसका मतलब कंडीशन यहाँ कंट्रोल हमारे इसके अंदर चला आएगा। और जे का वैल्यू 1 कहाँ तक चलेगा, के तक, के का वैल्यू कितना है 4, दैट मीन्स ये अंदर वाला लूप जो है वो 4 बार चलेगा, यानी कि ये लूप हमारा 4 बार चलेगा। दैट मीन्स 4 बार एग्जीक्यूट करने से 4 स्पेस प्रिंट होगा स्क्रीन पे। तो चलें प्रिंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 स्पेस प्रिंट होगा। क्या एक ही बार प्रिंट होगा, नहीं, ये 4 बार एग्जीक्यूट करेगा तब प्रिंट होगा। लेकिन आप समझ सकते हो क्योंकि मैंने एक काम को आपको 2 बार करके दिखा दिया ऑलरेडी और बाकी सारे स्टेप सेम फॉलो होंगे। जैसे ही 4 स्पेस प्रिंट होगा वैसे ही हमारा उसके बाद ये इसके पास आया कंट्रोल, ये क्या करेगा जे के वैल्यू को बढ़ा देगा, जे का वैल्यू हो जाएगा 5। क्या 5 होने से ये अंदर वाला लूप चलेगा, आप बोलोगे सर नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि जे का वैल्यू 5 ना छोटा है 4 से ना बराबर है 4 का, तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स, दैट मीन्स अंदर वाला लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर अंदर वाला लूप एग्जीक्यूट नहीं करता है दैट मीन्स हमारा कंट्रोल आ जाएगा इसके पास, इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के पास। हमारा सब स्ट्रिंग मैथड है 0, i, यानी कि 0, i, i का वैल्यू कितना है 1, 1-1, 0, दैट मीन्स हमारा कंट्रोल सिर्फ एक ही को प्रिंट करेगा। 0.0 मतलब होता है एक सिंगल एक कैरेक्टर, यानी कि स्क्रीन पे हमारा क्या प्रिंट होगा, स्क्रीन पे प्रिंट होगा बी, स्क्रीन पे प्रिंट होगा बी। इसके बाद के का वैल्यू हो जाएगा एक स्टेप और ज़्यादा, दैट मीन्स के का वैल्यू हो जाएगा 5। ये होने के बाद यहाँ हम लोग दोबारा आते हैं और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब एक स्टेप घट करके आई का वैल्यू हो जाएगा 0, आई का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कंडीशन चेक करेगा, क्या 0, आई का वैल्यू बराबर है 0 का, ऑब्वियस सी बात है बराबर है 0 का, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अंदर घुस गया, इस लूप को चलाएंगे हम लोग, एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो एग्जीक्यूट करने से क्या होगा, जे का वैल्यू 1 कहाँ तक चलेगा, के का वैल्यू तक, के का वैल्यू कितना है 5, सही है, यानी कि स्क्रीन पे कितना स्पेस प्रिंट होगा, तो आप बोलोगे सर 5 स्पेस प्रिंट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्पेस प्रिंट हो गया, हुआ। अब इसके बाद कंट्रोल हमारा आएगा इसके पास सब स्ट्रिंग 0, i, आई का वैल्यू 0 है, 0-1 यानी कि -1, 0 से लेकर -1 तक, यानी कि इसके पीछे होगा -1, इस जगह पर एक स्पेस है जो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, एक स्पेस जो आपको फील नहीं होगा नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई कैरेक्टर तो नहीं है ना, इसलिए आपको स्पेस फील नहीं होगा। एनीवेज ये हुआ हमारा लास्ट काम। इसके बाद के का वैल्यू एक स्टेप बढ़ेगा अगेन, यानी कि के का वैल्यू हो जाएगा, के का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 6। इसके बाद कंट्रोल हमारा चला आएगा, कंट्रोल हमारा चला आएगा इस वाले ब्रैकेट के पास, जो भेजेगा उसे i-1 के पास। i-1 का मतलब हो जाएगा 0 से भी 1 घट करके -1। अब हम लोग क्या करेंगे,
कंपैरिजन करेंगे, क्या आई का वैल्यू बड़ा है ज़ीरो से? नहीं। क्या आई का वैल्यू बराबर है ज़ीरो का? नहीं। दैट मीन्स ये पूरा लूप ख़त्म हो गया और हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो स्क्रीन पे हमें फाइनली ये दिखेगा, लेकिन लास्ट वाला में लाइन में एक स्पेस खाली प्रिंट हुआ है, इसीलिए आप जब इसको रन करोगे तो स्क्रीन पे ये नहीं दिखेगा। ठीक है, स्क्रीन पे ये नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ स्क्रीन पे इतना ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलोगे सर फिर इसको करने का क्या ज़रूरत है, इसको तो नहीं करने चलेगा, तो आप एक काम करना, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ये आपका एक्सपेरिमेंट है एक तरह का, कि अगर मैं यहाँ पर i लेस देन इक्वल टू ज़ीरो कर रहे हैं तब जा करके एक लाइन फालतू में स्पेस प्रिंट हो रहा है ना, तो क्या मैं इसे अगर i लेस देन ज़ीरो करके छोड़ देता हूँ क्या एग्जीक्यूट करेगा मेरा, और जो हम डिज़ायर रिजल्ट चाहते हैं क्या वो प्रिंट होगा स्क्रीन पे? आप करके देखिएगा ये काम, ये i लेस देन इक्वल टू ज़ीरो ना करके आप i लेस देन ज़ीरो करिएगा, देखिएगा कि क्या हो रहा है स्क्रीन प्रिंट, क्या आपको ये चीज़ दिख रहा है एज इट इज़ या आपको कुछ और दिख रहा है। ये आपका टास्क रहा आज का। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो तब डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।